स्मेल भी है। और मेरी दोनों तरफ की जो सरकारें हैं उनसे बेनती है हाथ जोड़ के कि जिस तरह से हम यहाँ पर करतारपुर साहब आ पाए, इसी तरह से आप लोग भी उधर हरमंदर साहब आ पाए, अजमेर शरीफ साहब जा पाए, और बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो आप लोगों के दिल में इच्छा होगी कि हम वहां जा पाए। तो आपके हमारी गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट मिलके उपराला करें, दोनों तरफ के बॉर्डर खुलें। जैसे हम लोग कनाडा से आए हैं, वहां पर क्या है कि कनाडा वाले अमेरिका जब मर्जी जा सकते हैं, बेशक उधर वाले इधर जब मर्जी आ सकते हैं। बॉर्डर पे जैसे यहाँ पे हमारे बार बार पासपोर्ट चेक हो रहे थे, वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट एक बार स्कैन होता है। आप गाड़ी में बैठे बैठे जाएं और उधर से ऐसे ही कनाडा के बॉर्डर पे पासपोर्ट एक बार स्कैन हुआ और आप इधर। सिक्योरिटी की वजह से ना ये सिक्योरिटी स्कैन, वही मैं कह रहा हूँ कि जब भारत जब कनाडा खत्म होगी, मोहब्बत पैदा होगी, इंसानियत से सोचेंगे जब, तो ये गैप सारे खत्म। बिल्कुल जी, जब कनाडा और अमेरिका एक साथ रह सकते हैं, दो पड़ोसी मुल्क एक साथ रह सकते हैं, लाइन है बस, बॉर्डर लाइन है, तो उसी तरह से भारत पाकिस्तान क्यों नहीं रह सकते? वो तो है, तो एक अनाउंस है, इंडियन सरकार को चाहिए कि ये एकदम। बिल्कुल जी ये तो है। अच्छा, ये आपसे एक बात पूछूं तो माइंडिंग, ये हमने तकरीबन सिखों को देखा है कड़ा पहना उन्होंने, इसकी क्या इम्पोर्टेंस आपका, मतलब ये आपके मजहब का हिस्सा है? एक तरह से गलत काम को रोकने के लिए जब हमारा हाथ कहीं पर जाए तो उसको रोकने के लिए हमारे लिए यादगारी है कि भाई जैसे पहले होता था ना कि औरतें अपने उसमें चुन्नी के उसमें कुछ बांध लेती थी याद रखने के लिए कि मुझे कुछ करना है, भूल ना जाए। तो ये हाथ में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ये दिया है कड़ा, जिसकी अहमियत ये है कि हम कोई भी गलत काम करने जाएं तो ये कड़ा हमें याद दिलाए कि हमें गलत काम नहीं करना है। अच्छा, ये सिख कम्युनिटी ज्यादातर फॉरेन में है और कनाडा में ज्यादा है? नहीं जी, सब जगह है। अच्छा, ये तकरीबन कितनी स्ट्रेंथ कितनी होगी ये सिख कम्युनिटी स्ट्रेंथ कनाडा में? पॉपुलेशन कितनी होगी तकरीबन कनाडा का? मैं जितनी पॉपुलेशन है उसका अमूमन 30% 30% अच्छा, जितनी है पॉपुलेशन होगी तो 1% कह रहे थे, 3%। आप खुश रहें, सलामत रहें, वेलकम। आपने पाकिस्तानी कौम को कैसा पाया? बहुत ही अच्छा जी, प्यार वाली कौम, बहुत प्यार दिया। हम जिलान में रहते हैं, भाइयों की तरह एक दूसरे के घर आते जाते हैं, बाहर सब कुछ एक होता है। वो मेरा दोस्त है, दोस्त आया। अच्छा, एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बाहर वाली कंट्रीज में कनाडा में स्पेशली एक ही लाइन पे एक ही रोड पे पहले मंदिर फिर गुरुद्वारा फिर मस्जिद फिर चर्च, एक ही लाइन पे 100 मीटर में चारों चीजें। वाह जी वाह, जिसका दो धर्म है जिसको जो फॉलो करना है किसी को कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और जितने भी दिन त्योहार आते हैं वो हम सब मिल के मनाते हैं, ईद आई सब गले मिल रहे हैं, कोई कोई त्योहार आया। मैं कहना चाहूंगा देखो जी, ऊपर वाला एक है और रास्ते अलग अलग है ना। मैं इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, पहले प्रोफेसर था, तो वहाँ से फिर मैं कनाडा चला गया। तो जब मैं पढ़ाता था वो यूनिवर्सिटी जो है इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली में है, ठीक है, बरेली में, तो वहाँ पे मैं सिख धर्म को बिलोंग करता हूँ। मेरा एक मित्र नितिन पाठक जो कि ब्राह्मण, और मेरा तीसरा मित्र जो है मोहम्मद शकील जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से है। आप यकीन करिएगा कि हम लोगों में ऐसे था कि भाई तीनों एक जगह एक कॉलेज में, वो कहते थे कि अगर आपको निशान को ढूंढना है या मोहम्मद शकील को ढूंढना है, उनमें से एक मिल जाए तो वो दूसरे भी आसपास ही होंगे। मित्र दोस्त को कहते हैं? हाँ जी, मित्र कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, फ्रेंड को कहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी ऐसे ही जैसे भाईचारा है, मेरे पाकिस्तान में भी मित्र हैं जो फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पे सब लोग प्यार से रह रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बाहर रहते हैं, इधर भी ऐसा ही हो और दोनों तरफ से हो। बिल्कुल जी, दोनों मुल्कों में ऐसा ही होना चाहिए। छोटा बच्चा आया हुआ है, ये कह रहा है कि क्या हो रहा है, इसे इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम बताओ छोटे? पार्स सिंह। आप क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। चलो माशाल्लाह, आपको कैसा लगा यहाँ आके? आप कुछ किस्मत हो, आप क्या बहुत ज्यादा इस उम्र में आ रहे हैं और आप 9th क्लास में पढ़ते हो आ गए हो। तो नेक्स्ट जो है आपकी औलाद इंशाल्लाह ताला, जैसे भाई कह रहे हैं
कि पासपोर्ट हजार दफा हम चेक करवा कहते हैं स्कैन करके आओगे, बस हमारी यही कोशिश है। हम तो चाहते हैं बॉर्डर ही खत्म कर दो, बॉर्डर ही खत्म कर दो, कोई मसला नहीं। पंजाब दोनों पंजाब एक, ठीक है। थैंक यू निशांत सिंह जी, ठीक है। थैंक यू दो। आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे आएंगे? हाँ सहूलत, ऐसी फैसिलिटी आपको मिली है? मैं उर्दू बोलता हूँ यार, बाकी जेड़ा सानू इत्थे मान बख्शिया गया, जिन्नी सानू इत्थे रिस्पेक्ट मिली है, असी ओहदे लई भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। तो आपने पहले कैसे क्या सोचा था इसके बारे में और पाया कैसे डिफरेंस, क्या आपको मिला है फर्क? सानू तो इदां लगा जी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने बड़ा वड्डा सिखां नूं इक तरह दा गिफ्ट दित्ता जी, और उम्मीद तो ज़्यादा। देखो जी, असीं तां अपना बार्डर तक ना सी आए, सच्ची गल 53 साल की साड़ी उम्र हो जाती है, असं बार्डर तक कदे पहुंचे नहीं। तो पाकिस्तान की सरकार की इन्नी मेहरबानी कि असी अपना बार्डर भी देखा, तो महाराज के दर्शन भी किए, बेसिकली तो आप सारे भाई ही सदियां कट्ठे रहे हैं जी, हूँ 50-60 साल तो वक्खा, तो फिर कोई बड़ी वड्डी गल है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमें मिलाना चाहिए, ऐसे इंसान सबसे अहम चीज है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। बाकी इदां दे उपराले हुंदे रहणगे तां होपफुली आपां होर नेड़े होवांगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। हां जी, ठीक है। लोग ऐसे अकरे अकरे इंदे उते कॉपीराइट पक्के लग सनी आ। कनाडा वाले भाई चुप खड़े हैं थोड़ा, आप बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? एक वीडियो कट है, एक जयम बड़दी पई है ना, प्रेशर कर रहे हैं। का इजी मेथड कैसे है करतारपुर, इंडियंस जो है, जो बाहर के जो सिख कम्युनिटी है? तो जी निशान भाई, सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो करतारपुर साहब आने का प्रोसेस है बड़ा ही आसान है, आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो है prakashpurab550.mha.gov.in। एक दफ़ा फिर बता दें ये फ्रेंड्स गौर से सुन लें, prakashpurab550.mha.gov.in। इसमें क्या करना होता है फिर? इस पर आप जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, तो उसके लिए सिर्फ पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं आपको वो एंटर करनी होती है, और आपका जो एड्रेस वगैरह और जो भी पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप एंटर कर दें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है वो प्रिंट आउट अपने पास रख लें जो अप्लाई किया है, और उसके बाद जो लोकल जहां पर भी आपका जहां जो थाना है वहां से इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद आपको एक ETA मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट, तो वो आपको लेकर प्रिंट लेकर आना होता है, और साथ में आपको अपने पास ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर साथ में आना होता है। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पर आपको पासपोर्ट की डिटेल प्लस आपको एक फ़ोटो अटैच करनी पड़ती है, ऑनलाइन जो है आप फ़ोटो को अटैच करते हैं, और उसके बाद का जो प्रोसेस है बस पुलिस क्लियरेंस होती है, उसके बाद आप जो है ETA लेकर आप आ सकते हैं। और यहाँ क्या प्रोसेस होता है सर, ये जो आप बॉर्डर से आते हैं? तो बॉर्डर पर वही है जैसे आम कोई भी किसी दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं, तो जहाँ जैसे सिक्योरिटी वगैरह होती है, सिक्योरिटी चेक होती है, इमिग्रेशन होती है, और उसके बाद जो है आप जब पाकिस्तान साइड में आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है $20 $20 आपको पे करने पड़ते हैं। वो डॉलर फॉर्म में देते हैं, रुपए फॉर्म में देते हैं वो? हम जैसे $US में ही देना होता है। अच्छा अच्छा। तो अगर आपके पास $US नहीं है तो बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है कि आप वहाँ पर उसको आप करेंसी एक्सचेंज कन्वर्ट करवा सकते हैं। हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू निशान भाई, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आप सिख कम्युनिटी को ये क्या मैसेज देंगे, विजिट करें? बिल्कुल जी, जरूर आना चाहिए, ये लाइफ टाइम आपका एक एक्सपीरियंस होगा, और आप यकीन करिएगा कि गुरुद्वारा गुरुद्वारे जैसा है, लेकिन जो यहाँ पर जो रिस्पेक्ट मिली है, जो हमारा वेलकम हुआ है, वो एक तरह से अपने आप में पेशे वो बहुत ही बेहतरीन जो अच्छा लगा है हम लोगों को, वो आप लोगों को जिस प्यार से यहाँ पर जिस रिस्पेक्ट के साथ जो वेलकम होता है वो आपका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। ये हमारे यहाँ डॉक्टर आई हैं, नाम बताएंगी, ये PhD हैं म्यूजिक में, तो इनसे इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पढ़ाती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं, इनका नाम क्या है।
तो प्लीज आप बताएंगे क्या। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अमनप्रीत कौर है, हम लोग इंडिया आगरा से आए हैं। उन्होंने वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ। आगरा में तो हमारा ताजमहल भी है। हाँ जी, बस उससे 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है। अच्छा अच्छा, फिर तो आप खुश किस्मत है। तो हमें कभी बुलाए, हम देखना चाहते हैं। हम खुश किस्मत है, यूँ समझ लें कि हमने हम आगरा चले गए। आप कभी भी आए? आपने PhD किया हुआ है म्यूजिक में, इंडिया से किया या बाहर से? नहीं, इंडिया से ही किया है। इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी? आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ना बोलो गाल मेरी दलवे देखा तू ना बोल। हम तो आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लासेस को, वहाँ BS प्रोग्राम्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, MPhil होते हैं म्यूजिक में, आप कौन सी क्लास को पढ़े? अभी मैंने BA तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है। हाँ जी, वहाँ एक कॉलेज है बैकुंठी देवी। ठीक है, वहीं से मैं पढ़ी हुई हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो कुछ क्लासेस मैंने आगरा कॉलेज में भी ली है। और अभी जैसे मैं स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट है उसी में मैं। आप वहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में तो विजिटर्स रखते हैं, AP रखते हैं, फुल प्रोफेसर होता है। आप फिर एज अ क्या काम कर रही हैं? नहीं, अभी मैं अपना ही इंस्टीट्यूट है। आप अपना इंस्टीट्यूट आपने बनाया है? जो बच्चे प्रभाकर या इस तरीके के डिप्लोमास करते हैं उनके लिए। अच्छा, मतलब वहाँ BS नहीं होता, 4-year प्रोग्राम, 6-year प्रोग्राम? नहीं, वही जो BSc है या BA है जो 4-year प्रोग्राम है, बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी 2 years की है। अच्छा जी, MA लीजिए, MSc ये सब 2 years की, उसके बाद MPhil है, उसके बाद BS। अच्छा अच्छा, आप म्यूजिक की टीचर हैं, तो म्यूजिक भी यू नो के द सैंपल ऑफ द लव। तो आप आगरा की हैं तो वो भी सिटी भी द सैंपल ऑफ द लव। तो सिख कम्युनिटी भी सिद्धू पा जी को देखें तो वो भी सैंपल ऑफ द लव। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने आपका इंटरव्यू लिया, हमें पता चला वाकई सिख जो है वो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियंस को, पाकिस्तानियों को? ये आप एक जनरल मैसेज सिख कम्युनिटी को जो कनाडा में बैठे हुए हैं, इटली में बैठे हुए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई, जो चीज़ें हम सुनते हैं बैठ के ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लगता है कि लोगों में, आवाम में बड़ा मोहब्बत है, प्यार है, बड़ा एक्साइटमेंट दिख रहा है। लोग बाग यहाँ के लोगों से दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दोनों बहुत खुश हैं। आपके हाथों से लंगर की स्मेल आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। आप हमें भूख लगी हुई है इसलिए मैंने खुशबू सूंघ ली। तो इसमें आप ये बना, फर्स्ट टाइम आई है? हाँ जी। तो आप इमेजिन